नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022-23 में हम सांविधिक और असांविधिक लिफाफों को कैसे बनाएं, यह हम देख रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सांविधिक लिफाफों में आपको ये इस तरह से 7 लिफाफे बनाने हैं। पहला लिफाफा है निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति, दूसरा लिफाफा है अध्यक्ष पद हेतु प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण और निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण अध्यक्ष, और इधर इसी के साथ में बनेगा वार्ड मेंबर या सदस्य के लिए। फिर तीसरा बनेगा अध्यक्ष पद के लिए अप्रयुक्त परंतु हस्ताक्षरित मतपत्र हेतु। फिर ये इसी तरह से तीसरा लिफाफा बनेगा सांविधिक में वार्ड सदस्य पद के लिए प्रयुक्त प्राप्त अप्रयुक्त परंतु हस्ताक्षरित मतपत्र हेतु। फिर चौथा लिफाफा बनेगा अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त और अप्रयुक्त परंतु हस्ताक्षरित अहस्ताक्षरित, यानी जिन पर हस्ताक्षर ना किया गया हो। इसी तरह से वार्ड सदस्य के लिए भी बनेगा। फिर पहला लिफाफा जैसा आप देख रहे होंगे वो पिंक पर बनेगा। ये 3 लिफाफे आपके येलो पर बनेंगे, पीले पर बनेंगे। फिर उसके बाद जो नीले हैं, नंबर 1 वाला जो लिफाफा है वो नीला है, उस पर नंबरिंग भी आप देख सकते हो, नीला है। इसमें यहां से निवेदित मतपत्र और निवेदित मतों की सूची के लिए सांवेदिक है। इसी तरह से ये वार्ड सदस्य के लिए भी निवेदित मतपत्र और निवेदित मतों की सूची के लिए, दोनों के लिए बनेगा। पहला बने अध्यक्ष पद के लिए उल्लंघन, यानी कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन के कारण रद्द मतपत्रों के लिए सांवेदिक लिफाफा। इसी तरह से वार्ड सदस्य के लिए मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द। इसके बाद सातवां जो लिफाफा है सांवेदिक में है अध्यक्ष पद हेतु मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य कारण से रद्द मतपत्रों हेतु। इसी तरह से इधर बन गया है वार्ड सदस्य हेतु मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से रद्द मतपत्र हेतु। अब इसमें एंट्री हम क्या क्या करेंगे, एक ही हम दिखा देते हैं। जैसा आप यहां ही देख रहे होंगे कि नगरीय निकाय का नाम ये लिख लेंगे, मतदान स्थल क्रम संख्या व नाम, जनपद मतदान का दिनांक और पीठासीन हस्ताक्षर, एक पर इतना हम लिख सकते हैं। कोई भी आप देख लो, सब पर इतना ही लिखा गया है, आप इसे अपने हिसाब से। तो इस तरह से ये आप के सांवेदिक लिफाफे हो गए हैं। फिर हम असांवेदिक लिफाफों की ओर आते हैं, तो असांवेदिक लिफाफों को भी हम समझ लेते हैं। असांवेदिक लिफाफों में पहला लिफाफा हमारा पिंक में बनना है, निर्वाचित नियमावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति के लिए। दूसरा लिफाफा जो हमारा ये है, ये छोटे वाला ब्लू पे बनेगा, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 17 जिसमें रखा जाएगा। तीसरा लिफाफा हमारा फिर पिंक पर बनेगा, आपत्तिकृत या चुनौतीपूर्ण मतों की सूची प्रारूप 23 रखने के लिए। उसके बाद जो चौथा लिफाफा है, दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची प्रारूप 27 व उनके साथियों की घोषणाएं प्रारूप 26 इसके लिए बनेगा, ये हमारा हरे पे बनेगा। फिर इसके बाद हमारा लिफाफा नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं, निर्वाचक लिफाफा नंबर 5, निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणा प्रारूप 21, ऐसे मतदाताओं की सूची प्रारूप 22 ये हमारा नीले पर बनेगा। फिर हमारा लिफाफा नंबर असांवैधिक में लिफाफा नंबर 6, चुनौतीपूर्ण मतों के संबंध में रसीद और नगद राशि, ये हमारा हरे पे बन रहा है, इस पे लिखा हुआ भी है। आप देखोगे 3 नंबर का जो लिफाफा मिला है, 4 तरह के लिफाफे मिलेंगे, 3 नंबर का लिफाफा बनेगा। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा सातवां असांवैधिक लिफाफा है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त मत पत्र मुद्रा, इसके लिए नीले पे बनेगा। ये हमारे सांवैधिक लिफाफे असांवैधिक लिफाफे हो गए हैं, और इधर हमारे सांवैधिक लिफाफे हो गए। सांवैधिक और असांवैधिक लिफाफे के बाद ये मतपत्र लेखा, यानी कि जब आप इसके अंदर एक मतपत्र लेखा रख के जो बैलेट बॉक्स होगा, मतपत्र पेटी जो होगी उस पर आप बांधोगे, तो उसके लिए एक लिफाफा बना ले, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा इसी तरह से ये नीले में बनेगा, ये वाला नीला हल्के नीले रंग का जो लिफाफा है वो इस पे बना लेंगे।
दूसरा एक हरे रंग का लिफाफा हमने बनाया है, पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो इसमें एंट्री सब वही है, ये हरे रंग के लिफाफे में है, नगरीय निकाय का नाम, मतदान स्थल क्रम संख्या व नाम, जनपद, मतदान का दिनांक और पीठासीन का हस्ताक्षर, यह एंट्री हमें करनी है। इस तरह से यह लिफाफे हम बना लेंगे। इतने लिफाफे बनाने में हमारे लगभग 23 लिफाफे प्रयोग में आ रहे हैं। इसके बाद जो लिफाफे बचते हैं उनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, यदि आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उनको आप लौटा दीजिए। जो हमें लिफाफे बनाने हैं, आवश्यक लिफाफे हैं, वो मैंने आपको बता दिए, सांवैधिक लिफाफे, असांवैधिक लिफाफे, और ये दो ऐसे लिफाफे हैं, एक जो हमें बैलेट बॉक्स पर बांधना है और ये एक पीठासीन की डायरी जो वो खुली लेते हैं हाथ में, मगर इसके लिए भी लिफाफा आप बना सकते हैं। बाकी जो और चीज़ें बचती हैं उनके बारे में भी बात